तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको एक नया फीचर बताने वाला हूं जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। इस ऐप का नाम है क्विक शेयर, जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में मिलता है, जिससे आप सैमसंग टू सैमसंग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी फाइल या कोई भी डेटा बहुत ईजिली। तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया है क्विक शेयर के अंदर, क्या नया फीचर एड ऑन किया गया जिसके बारे में आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, बताने वाला हूँ क्विक शेयर के एक नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे माय अपडेट्स में, तो आप देखेंगे एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है। 28 जनवरी के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 13.3.12.10 और जिसका साइज है 17.63 MB का ये साइज है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मेनली क्या नए चेंजेस किए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया है। एडेड अ बटन टू टर्न ऑन ऑफ ऑन डिस्प्लेइंग शेयरेबल डिवाइस इन द शेयर पैनल, इम्प्रूव टू ऑलवेज यू के डिस्क्रब। तो यहाँ पर एक नया फीचर एड ऑन किया गया, तो उसको कर लेते हैं अपडेट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपन इनका यूज कर पाएंगे। दोस्तों फाइनली हो चुका है अपडेट, अब इसको एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं ले जा रहा हूँ आपको यहाँ पर गैलरी में। मैंने अपनी यहाँ पर कोई सी भी फोटो को यहाँ पर खोल लिया है और एक्चुअल में ये वर्क कैसे करने वाला है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको इस कोई सी भी अपनी फोटो पे जाना है और आपको यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर नियर बाय डिवाइस का आपको नाम दिखाई दे रहा है क्विक शेयर के अंदर। आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर A30S मेरा दिख रहा है कि यहाँ पर ये आया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर अब पुराने वर्जन में मिलता था और अभी नए वर्जन पे भी आपको ये मिलने वाला है। अब इसमें नया चेंज ये है कि जैसे आप इस पर क्विक शेयर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नया यहाँ पर शो अवेलेबल डिवाइसेस ऑन शेयर पैनल। अगर आप इसको आप यहाँ पर ऑफ कर देंगे और उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डिवाइस नहीं दिखने वाली, मतलब कि आप यहाँ पर डिवाइस का जो नेम है या फिर जो भी डिवाइस अवेलेबल है क्विक शेयर के लिए आप यहाँ पर हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो तो वापस यहाँ जाइए सेटिंग पे और शो डिवाइस ऑन शेयर पे आप ऑन कर देंगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। मैं आपको पुराने वाले वर्जन पे भी दिखा दूँ, तो पुराने वाले वर्जन पे क्या था, तो अगर मैं पुराने वाले वर्जन पे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप क्विक शेयर के ऑप्शन पे भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल रहा होगा, मतलब वहां पर भी आपको शो वाला नंबर आपको नहीं मिल रहा होगा, वहां पर सिंपली आपको ऐसी ही सेटिंग यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि नए वाले वर्जन में आप उसको यहाँ पर हाइड और अनहाइड वाला ऑप्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर दिखे, नहीं चाहे तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखे, जैसा कि अभी दिख रहा है आप देख रहे होंगे। अगर आप नहीं चाहते इनेबल हो तो आप उसको वहां से ऑफ कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और एक चीज और कर लेना यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।